स्नेक का साइज देखो, कितना बड़ा स्नेक मेरी गाड़ी के सामने आया था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तकरीबन बज रहा है 6 के समथिंग और मैं बाहर घूम रहा था, वीडियो अपलोड करने की सोच रहा था, तो नेटवर्क के लिए बाहर आया था। तो बाहर देखो कितना ठंड है, तो यहाँ पर धुंधार कितनी ज़्यादा है, पूरा आइट साइड फॉग ही फॉग हो रहा है। वहाँ से बड़ी वाली वो कार आ रही है फोर्स, लेकिन वहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। देखना इधर आई कि वो आ गई। ये लाइंस कैसी बन रही है। गुड मॉर्निंग भैया। ए जेम साइड हो, साइड हट जा जा। अरे नहीं काटे नहीं काटे। अब मैं भी अंदर चलता हूँ क्योंकि ठंड लग रही है बाहर तो बहुत तेज, और सर्दी हो रही है ऊपर से मुझे। यहाँ पे भी अब रोड पे भी फोग आ गया। यहाँ पे चल रहा है दादी जी का नाश्ता, पापा जी न्यूज देखते देखते नाश्ता कर रहे हैं। इनको देखो, दोनों को केसेस हुए हैं एकदम सेम। मैं आया था मेरे दोस्त को लेने, अब उससे फ़ोन लगा के पूछा है तो बोल रहा है 10 बजे आऊँगा, और अभी बोला क्या आ गया हूँ, वो मैं रेंटी आके खड़ा हो गया। अब क्या करें गाइस, कैसे कैसे दोस्त मिले हैं मुझे, चलते हैं घर, अब 10 बजे आएंगे। गाइस देख रहा है कोहरा कितना है, कोहरा ही कोहरा, कुत्तों की टोली। गाइस मुँह बांध लेते हैं वरना वाट लग जाएगी, चेहरे ही जड़ जाएगा चेहरा। मैं वापस आ गया हूँ घर, हेलमेट को सामने लेके। इस पे आज मैं माउंट लगाऊंगा ना, वही चीज देख रहा थोड़ी। हेलमेट अपना पुराना को रखा है, पुरानी चीजों की कदर थोड़ी सी कम होती है, देख ही सकते हो आप। मैं यहाँ पे, पुराना वहाँ पे, देख लो गाइस टीवी भी यहीं पड़ी है। नहीं यार, नई वाली आएगी ना, उसको सामने रख के रखेंगे हम। ये लोग आ चुके हैं, अब अपन को हटाना है ट्राली। अगर ट्राली नहीं हटाई तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा पलट जाएगी। जयदीप स्कूटी में कुछ कर रहा है, वो सेल्फ नहीं ले रही है, तो देखते हैं क्या दिक्कत है उसमें। मैं तो हो गया हूँ रेडी, बटन गिर गई, बटन ये लो स्कूटी। गब्बर स्कूटी थोड़ी आगे कर जा, आन दो आन दो आन दो। तो हमारी स्कूटी सुबह स्टार्ट नहीं हो रही थी, उसमें चूहे घुस गए थे। ये देखो वायरिंग कट कर दी हमने, अब हो चुकी है सही वाली, ब्रेकिंग दूर करके देखिए। तो फाइनली गाइस हमारी स्कूटी हो चुकी है स्टार्ट। स्कूटी का ये भी खोल दिया पूरा, जुगाड़ तुगाड़ करके हमने ये बचते हैं, इनको टाइट करना। मैं जा रहा हूँ दादी जी को छोड़ने खेत में, साइंस स्कूटी को कर दिया वापस वैसी की वैसी फिट। ले आ रहा हूँ ये पेंट वगैरह ऊपर, ये भी ले जा, नेट जो सेंटिंग वाले ने आज ज़्यादा लगा दिया था तो उसको पोछना पड़ेगा। सरिया भी बिछ रहा है, उधर पापा जी खड़े हुए, उधर से बिछ चुका ही कर रहे हैं और कट भी रहा है। अभी हम चल रहे हैं रेहटी भैया की दुकान, शायद अभी बंद है। प्रदीप के पास घुमाते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है फेविक्विक का। प्रदीप अभी दुकान पर नहीं है लेकिन मुझे सामान चाहिए, तो हम ये ले चलते हैं फेविक्विक। मैंने अपने फ़ोन से काकी जी की बात भी करवा दी, काका जी से, वो अभी भोपाल में ही है, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, दादाजी के साथ ही गए थे वो। किस्मत देख रहे हो कितनी ख़राब है, फेविक्विक निकला जमा हुआ पहले से ही, इससे क्या चिपका हूँ मैं, इसको काट के फेंक दिया मैंने। वैसे हमारे पास शाइन थी ऑप्शन में, लेकिन हमें सामान लेकर आना है तो हम स्कूटी से चलेंगे। स्नेक का साइज देखो, कितना बड़ा स्नेक मेरी गाड़ी के सामने आया था। ओ भाई कहाँ जा रहा है ये, मैं डर गया अचानक से, इतना स्लो जा रहा है, कोई गाड़ी अगर आ जाती है गलती से। वो देखो नाली के अंदर जा रहा है, अरे नाली के उस साइड चला गया डायरेक्ट। हमसे अगर कोई कहेगा कि इतनी चौड़ाई वाली नाली को सांप डायरेक्ट क्रॉस कर पाएगा क्या, तो हम ना ही कहेंगे ना, लेकिन वो कर गया, इतना बड़ा था। जय श्री राम महेंद्र भैया, हार्ड कॉपी तो दे दो डॉक्यूमेंट्स उनकी। रेवा राम भाई ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, तो एक बार मैं घर घूम के आऊं। मैं जल्दी दे दो, तुम्हारे साइड वालों को दिक्कत है गाड़ी से। सामान मैंने ले लिया, पापा जी भी रहती आ चुके हैं। चलो तो हम अब निकलते हैं घर पे,
भाई ने हमारे दोनों काम कर दिए। मुझे एक फेविक्विक चाहिए क्योंकि एक तो खराब निकल गई थी हमारी, वाले तार खरीदने। बस आ ही रहा है अपना सामान बाहर, एक और इम्पोर्टेंट काम था, बस वो छूट जाएगा, बाकी सभी हमने निपटा लिए। अपनी एक्टिवा खड़ी हुई है वहाँ। कितने हो गए भैया? धन्यवाद भैया। बहुत हैवी है भाई, इसको उठाने में वाट लग गई, 25 किलो का है। इसने एवरेज बिगाड़ दिया स्कूटी का, इसने हमें 5 रुपए का भारी घाटा दिया। ये वाला मैं चेक करके ही लेके आया हूँ, इससे काम कर लेते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया सच में, अब बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं अब खाना खा लेता हूँ। देखो आज अपने घर पर मेहमान आए हुए हैं। चाचा जी भी आ गए खेत से। रेत की गुणवत्ता, यहाँ ट्राली खाली करनी है तो जगह बना रहे हैं। पापा जी तार लेकर जा रहे हैं पीछे, इतने आयरन के रोड जो है बिल्कुल वेस्ट हो रहे हैं। तो गाइस मैं जा रहा हूँ मांजर कोई, रजिस्ट्रेशन रह गया था वो करवाना। इसमें मांजर कोई तो आ गया, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि साइट नहीं चल रही है। तो फाइनली गाइस रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मैं 2:30 बजे का आया था और अभी समय हो रहा है 6:01, अब चलते हैं घर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे। पीछे का काम चल रहा है, पीछे लोहा बन रहा है छत पे। गए थे आप छत पे? हाँ मैं आज दिन भर से घूम रहा हूँ। अच्छा मतलब मैं नहीं था तो घूम रहे थे बिना मोबाइल के? हाँ यार मोबाइल के घूम रहे। ओ, बहुत से मोबाइल है घर पे तो अपना। वैसे किसी और को आपकी याद आ रही थी, बार बार फोन आ रहा था, पता नहीं कौन था। दादी से थोड़ा सा चने की घंटे चुरा के लाया, तब चलते पीछे क्या पता क्या काम चल रहा है। भैया तो कहे हैं शायद जो बांधने आए थे पूरा लोहा पे नहीं, इधर रह गया है, इधर इधर कर दिए पूरा कवर। रेत और आ चुकी है एक ट्राली और। चाय आ गई मेरी 4 किलो, उसकी अलग ही मौज हो गई, फैला के बैठा है। कार धुई नहीं है यार बहुत दिन से तुमने। अरे भैया रात में हो गई ज्यादा गंदी, बाहर तुमने बाहर कहाँ करी रात में? तुमने गंदी करके लाए थे भोपाल से। अब टाइम आ चुका है ट्रैक्टर को अंदर लाने का, थोड़ा थोड़ा सीधा कर देते ताकि यहाँ पर ट्रैक्टर के आने की जगह बन जाएगी। हाईलाइट सही करना पहले। भाई साहब इन्होंने लाइट उड़ा दी थी अपनी रेटी में, पता नहीं क्या क्या चाले किए थे, तो अब उसको ठीक करना पड़ेगा, अभी खराब ना हो ऐसा ठीक करना पड़ेगा। अभी उधर मुंह करके खड़ा हुआ है, रेटी इधर है, पुष्पदीप घुमा के ला रहा है ट्रैक्टर। ये वाला वायर फिर से नहीं जल रहा क्योंकि ये पतला है यार पूरे दिन से, मतलब यार इसको कुछ वो ही नहीं, कुछ भी करता रहता है अकेले। ये वायर फिर से नहीं पिघल रहा, पतला है ये वाला, पतला नहीं है वो, पतला पहले लगा था। दोनों लाइट ऊपर नीचे है, देखो बीच में गैप रह रहा है, ये हल्का सही है, कुछ दिखता ही नहीं आगे से। दादा पापा जी भी आ चुके हैं क्योंकि अभी चैम आ चुका है, तो चैम पापा जी के साथ गया था, वो आगे आगे भाग कर आ गया। हेलो बेबे। हाय हाय बेबे। कहाँ जा रहे हो? हाय बेबे हम तो कहीं नहीं गांव में। लाइट लगाओ यार साइकिल में भी। नहीं नहीं यार कभी घर में रखी है। जलाओगे कैसे? इसमें बैटरी वगैरह तो है नहीं। नहीं वो वाली लाइट किसान टार्च। किसान टार्च पकड़ के बैठ जाए। मैं लेट हो गया हूँ, सब मेरे लिए रुके हैं। हमारे स्टॉप आ चुका है, प्याज के रेट तो कुछ ज्यादा ही हाई है। हमारा बाजार तो हो चुका है, अब चलते हैं वापस ट्रैक्टर के पास। एक ही रेट अलग अलग है यार, तो पहले तक होना भाई। अंकल जी केमल दे दो 250 ग्राम। पहचानते हो आप? मैं पूरी वीडियो देख रहा तेरी यार। हम बस स्टैंड पे तो आ चुके हैं, अब चाचा जी को भी बुला लेते हैं।
पत्ती दे दो, केमल 250 ग्राम। बगल से ले लो, बगल से उड़ गया कार्ड ये बुटा, रेत में स्लिप हो रहा है। कार हो चुकी है अनलॉक। न्यू हेलमेट में हो चुका है सेटअप। बस अब इसको सुबह टेस्ट करके देखना है।